हिंदी एम आपे शब्दावली शब्दकोश किशोरस परिचय और उपयोग इना विषय आपरे अभ्यास करवाना छे। तेमा आपे शब्दकोशों के नाना रूप ज्ञानकोश और विश्वकोश विषय अभ्यास करयो। आज आपरे परिचय और उपयोग विषय अभ्यास करीशुं। शब्दों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी जैसे हिस्से इच्छे और उच्चारण उत्पत्ति आदि के लिए प्रधान सूत्र और साधन शब्दकोश ही होते हैं। विश्वकोश से शब्दकोश इस अर्थ में भिन्न होता है कि अलग हो चुके कि विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी दी होती है। आधुनिक बृहत शब्दकोशों की यह भी एक विशेषता मानी जाती है कि वे शब्द के बारे में जो सूचित करते हैं, अक्षर विश्वकोशों के समान संबंधित वस्तु के विषय में भी बताते हैं। इस प्रकार एक अच्छा शब्दकोश दो प्रकार के संदर्भ ग्रंथों यानी विश्वकोश और शब्दकोश का नाम देता है। विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक शब्दकोश ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कभी भी अनुपयोगी नहीं होता है, लेकिन कोई दिवस अनुपयोग के लिए उपयोगी न था नहीं होता। इसलिए अब पाश्चात्य देशों के में शब्दकोश के विश्वकोश रूप पर तरह तरह के परिशिष्ट और चित्र आदि देकर निखार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और उनके नाम में भी विश्वकोश या विश्वकोश संबंधी शब्द जैसे इंसाइक्लोपीडिया पीडी डिक्शनरी जोड़े जाने लगते हैं। यही कारण है कि विदेशों में प्रकाशित शब्दकोश शब्दों के अर्थ जानने के लिए अलावा अन्य प्रकार की सूचियां के लिए भी उपयोगी बन जाते हैं। जिन शब्दकोशों में शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने और उनकी प्राचीनता का प्रमाण देने के लिए उदाहरण भी दिए जाते हैं, उनका उपयोग किसी उदाहरण का सूत्र मालूम करने के लिए भी किया जाता है। कुछ शब्दकोशों में प्रसिद्ध विद्वानों लेखकों राजनीतिज्ञों आदि के उदाहरण भी शब्दों के अर्थ के साथ दिए रहते हैं। इस प्रकार किसी स्वतंत्र उद्धरण कोश के अभाव में इस प्रकार के शब्दकोश बहुत उपयोगी बन जाते हैं, मगर शब्दकोश तैयार करने और उसके मुद्रण में प्रकाशक और लेखक से जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है वह भारत में प्रकाशित किसी भी भाषा के शब्दकोशों में शायद ही देखने को मिलती है। कभी कभी प्रकाशक योग्य व्यक्तियों का थोड़ा सा पारिश्रमिक देखकर शब्दकोश तैयार कर लेता है और फिर बिना परीक्षण कराए उसे ज्यों का त्यों छाप देते हैं। यह भी देखा जा गया है कि प्रकाशक नए संस्करण के नाम पर पुराना संस्करण ही बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के छाप देते हैं। इस प्रकार पिछले संस्करण में यह रह गई मुंडों का संशोधन तथा कथित नए संस्करण में भी नहीं हो पाता और न ही उनमें भाषा में प्रचलित हो चुके नए शब्दों का समावेश हो पाता है। किसी भी शब्दकोश की उपयोगिता जानने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त भाषा को परखा जाए। कुछ ऐसे भी शब्दकोश प्रकाशित हुए हैं कि जिनका उद्देश्य किसी एक का या युग के शब्दों के अर्थ देना है। इसलिए वर्तमान काल की भाषा के शब्दों के लिए मध्यकालीन या वैदिक काल की भाषा का कोई उपयोग नहीं होता। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर प्राचीन ऐतिहासिक काल के शब्दों के अर्थ जानने के लिए अनुनातक भाषा का
देखे तो यह उनकी मूल एज की भूल होगी और उसे अपेक्षित सूचना नहीं मिल सकेगी। कुछ प्रकाशक अपने शब्दों के प्रचार के लिए शब्द संख्या की घोषणा भी करते हैं, पर यह बहुत भ्रामक है। इससे यह पता नहीं चलता कि शब्दों की संख्या किस प्रकार आकी गई है। घोषित या प्रसारित शब्द संख्या में केवल मुख्य शब्दों को शामिल किया गया है या मुख्य शब्दों के अन्य रूपों को भी गिना गया है। मतलब एक आदर्शन शब्द कोश में पिच लगता लगा पिच लगी और पिच लघु को केवल एक शब्द गिनना चाहिए, पर कुछ प्रकाशक पिच जैसे कुछ अन्य शब्दों के से निकले रूपों को भी शब्दों की संख्या में शामिल करके शब्द संख्या भ्रमात्मक रूप से बढ़ाकर प्रसारित करते हैं। शब्दों के संबंध में यह भी देखना चाहिए कि कोश में किसी प्रकार के शब्द लिए गए हैं, उसमें बोली और उपभाषा के शब्दों के साथ ही प्रचलित और वैज्ञानिक शब्द भी शामिल किए गए हैं या नहीं। यह भी देखना चाहिए कि कोश में हर शब्द का विवेचन निरूपण किस प्रकार किया गया है। मसलन शब्द के नीचे शुद्ध है या अशुद्ध, इसी के चयन में किस सिद्धांत का अपनाया गया है। शब्द के बहुवचन क्रिया रूप में कृदंत आदि भी दिए गए हैं या नहीं, शब्दों का उच्चारण दिया गया है या नहीं, और उच्चारण देने के लिए जो नियम अपनाया गया है वह यथार्थ तथ्य और स्पष्ट है या नहीं, शब्द का इतिहास दिया गया है या नहीं, किसी शब्द के अर्थ में समय समय पर जो परिवर्तन हुआ है या होते रहे हैं उनका उल्लेख है या नहीं, शब्द की परिभाषा स्पष्ट सही और उपयुक्त है या नहीं, कठिन शब्द का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण और उदाहरण भी दिए गए हैं या नहीं, उदाहरण किसी रूप में दिए गए हैं और उदाहरण का सही सही संदर्भ दिया गया है या नहीं, क्या संदर्भ कालक्रम में प्राकालक्रम से रखे गए हैं और हरेक के साथ समय दिए गया है ताकि शब्दों विशेष का इतिहास भी मालूम हो सके, क्या शब्द के साथ उसका परिचय जैसे सही अप्रचलित बोलचाल संबंधी आदि दिया गया है, शब्द के पर्यायवाची और विलोम भी दिए गए या नहीं, शब्द के साथ विश्वकोश के समान सूचना दी गई या नहीं। यूरोपीय भाषाओं के अच्छे शब्दकोशों में आमतौर पर शब्दों की परिभाषा या समानार्थी शब्दों के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण और उपयोगी सूचनाएं भी दी रही रहती है। इस प्रकार के बड़े शब्दकोश में कुछ सूचनाएं विश्वकोश की शैली में होती है, कुछ शब्दकोशों में उदाहरण भी खूब दिए रहते हैं, उनका उपयोग विदेश उदाहरण कोश के पूरक के रूप में किया जा सकता है। कुछ शब्दकोश में अप्रचलित शब्द और स्थानीय प्रयोग में आने वाले शब्द अलग से दिए रहते हैं, इससे स्थानीय इतिहास आचार विचार लोक व्यवहार आदि की थोड़ी बहुत जानकारी के लिए भी ये उपयोगी होती है। हिंदी का विश्वकोश इंटरनेट पर हिंदी का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया भी उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरी अटके प्रचारिणी सभा ने तैयार किया गया था। केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। यदि आप काली शब्द तलाश रहे तो भारतकोश नामक पोर्टल को जरूर देखें। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी में एक समय
है। इंटरनेट पर हिंदी का विश्व प्रसिद्ध के इंसाइक्लोपीडिया भी उपलब्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक नागरिक प्रचारिणी सभा ने तैयार किया था। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित कराने में सहायता की गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज तमारो जी आपने शब्दावली विश्वकोश विश्वरस परिचय और उपयोग से आज पूर्ण करूँ। आभार, अस्तु।